नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज फ्यूचर पेज पॉइंट संस्था से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज सुबह सुबह मेरे मन में ख्याल आया कि एक वीडियो वर्तमान में चल रहे वर्ल्ड कप के ऊपर भी बनाई जाए। हालांकि मैं व्हाट्सएप के माध्यम से सभी मैचों की भविष्यवाणी कर चुका हूँ, जिनमें 99% सभी ठीक रहे थे, एक मैच गलत भी निकला था। मित्रों, मैंने आज 12 नवंबर 2022 को 9:25 पर प्रश्न कुंडली लगाई कि क्या आज का मैच इंग्लैंड जीतेगा। मित्रों, उस समय धनु राशि चल रही थी और होरा मंगल भी चल रही थी, होरा स्वामी मंगल थे। मगर 4 मिनट बाद मंगल 9:29 पर अपने होरा को सूर्य को सौंप रहे हैं, तो सूर्य अपना कार्यभार 4 मिनट बाद संभालेंगे। मित्रों, इस कुंडली में धनु लगन उदय हो रही है। दूसरे भाव में शनि मकर राशि में 24 अंश पर गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति सुख भाव में वक्री होकर 4 अंश पर हैं। राहु मेष राशि में 18 अंश पर हैं, चंद्रमा मिथुन राशि पर 7 अंश के हैं और मंगल 0 अंश के हैं और वक्री होकर बैठे हैं। तुला राशि में केतु 18 अंश पर हैं, सूर्य 25 अंश पर हैं और बुध 27 अंश पर अस्त होकर बैठे हैं। साथ ही शुक्र 12वें घर में वृश्चिक राशि पर अस्त हैं। मित्रों, ये लगन निकल के आई है पहली टीम यानी कि इंग्लैंड की। मित्रों, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में इस कुंडली के अनुसार टॉस कौन सी टीम जीतेगी। मित्रों, यहाँ पर देखेंगे होरा स्वामी मंगल हैं और लगन पर पूर्ण दृष्टि रखे हुए हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी सुख भाव में वक्री होकर बैठे हैं और तीसरा भाव मैदान का होता है, वक्री होकर यहाँ भी अपना प्रभाव रखे हुए हैं, जिससे यह लगता है कि आज का टॉस इंग्लैंड जीतेगी। दूसरी टीम पाकिस्तान, उसकी लगन वृष लगन निकलती है और उसके स्वामी शुक्र 7वें में अस्त होकर पड़े हैं, मंगल की राशि में है। मंगल यहाँ पर पाकिस्तान के 12वें भाव के स्वामी हैं, जिससे आज का टॉस इंग्लैंड जीतेगी। अब मित्रों, मैच की बात करते हैं। मैच के शुरुआत में मंगल अपने होरा के स्वामी हैं, इस करके मंगल वक्री भी हैं और 0.13 अंश पर हैं, तो मंगल अपने 6वें भाव पर प्रभाव डालेंगे, जिससे सूर्य और शुक्र और मंगल का आपस में समसप्तक योग बन रहा है। यहाँ पर पहली पारी में पाकिस्तान प्रबल रहेगा, अपनी अच्छा प्रदर्शन करेगा और दूसरी पारी में देखा जाए तो जब सूर्य अपने होरा का संभाल लेंगे तब शुक्र अस्त अवस्था में है, सूर्य अपने प्रभाव में रखेंगे। सूर्य यहाँ पर भाग्य के स्वामी हुए हैं और लगन पर भी दृष्टि रखे हुए हैं। बुध कर्म भाव के स्वामी हैं, शनि यहाँ पर सूर्य पर अपनी 10वीं दृष्टि रखे हुए हैं। शनि मैदान के कारक हैं, तीसरा भाव मैदान को दर्शाता है कि मैदान की क्या स्थिति रहेगी, तो यहाँ पर सूर्य शनि भी सूर्य को सपोर्ट कर रहे हैं और बृहस्पति भी मैदान में जाके वक्री होकर के अपनी 9वीं दृष्टि सूर्य पर रखे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य को शनि गुरु भी सपोर्ट कर रहे हैं और शुक्र बुध और केतु साथ में बैठे हैं,
अगर पाकिस्तान की स्थिति को देखा जाए तो पाकिस्तान के वे भाव में हानि भाव में राहु बैठे हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। साथ ही वे भाव के स्वामी मंगल धन भाव से वक्री होकर लगन में आके शुक्र से संबंध बना रहे हैं। यहाँ पर शुक्र और मंगल दोनों की ही स्थिति ठीक नहीं है, तो इससे स्पष्ट होता है कि आज का मैच इंग्लैंड के पक्ष में रहेगा। इंग्लैंड के रनों को देखा जाए तो आज का रन स्कोर क्या रहेगा, सूर्य 25 अंश पर है जो लाभ भाव में भाग्यश होकर कर्मेश के साथ युक्ति बनाकर शनि और गुरु के प्रभाव युक्त होने के कारण यहाँ पर 75 रन इंग्लैंड के खाते में डाल रहे हैं। और मंगल यहाँ पर कुछ भी अवस्था नहीं है, मंगल की 1-2 रन मंगल भी सपोर्ट करेंगे। बुध को देखा जाए तो बुध 27 अंश के हैं, यहाँ पर अपने डिग्री अनुसार डबल प्रभाव देंगे, यानी कि 54 रन बुध भी देने वाले हैं। और शुक्र को देखा जाए तो शुक्र न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 रन ये भी इंग्लैंड के खाते में डालेंगे। केतु को देखा जाए तो 18 डिग्री के केतु हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, 54 रन केतु भी अपना योगदान सूर्य को दे रहे हैं। राहु मेष राशि में स्थित होकर सूर्य पर दृष्टि रखे हुए हैं, लगन पर दृष्टि रखे हुए हैं। यहाँ पर राहु इनके 27 रन माइनस कर रहे हैं। अब इनको जोड़ा जाए तो 161 रन की पारी बनती है। यह पारी लगभग आज का मैच का जो रन स्कोर रहेगा लगभग 161 रन के करीब रहेगा। यह स्पष्ट होता है मित्रों कि आज का मैच इंग्लैंड जीतेगी, और लेकिन पहली पारी में पाकिस्तान भारी रहेगा, इंग्लैंड की हालत खराब रहेगी। मित्रों अगर आप भी ऐसे ही सार्वजनिक भविष्यवाणी कराना चाहते हैं आपके, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, मैं अवश्य करूंगा। लेकिन याद रखें कि वह भविष्यवाणी पर्सनल नहीं होनी चाहिए। मित्रों आज मैं यही विराम देता हूं। यह मेरी प्रश्न कुंडली है, टीम किसी भी टीम के मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है, ना मुझे मैच की ज़्यादा जानकारी है। जो भी बताया है मैंने अपने ज्योतिष अनुसार, जैसा मैं छोटा मोटा जानता हूँ उसके अनुसार बताया है। मित्रों आगामी मेरी वीडियो को देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद।